गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग वो व्लॉग है जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा वेट था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि काफ़ी डिले हो गया पोस्ट करने में। आई नो आई टोल्ड यू गाइस कि मैं जनवरी की फर्स्ट वीक में पोस्ट करूँगी और जनवरी का पूरा महीना ख़त्म हो गया। आई एम वन मंथ लेट, बट यू गाइस नो कि मेरी क्लास थी एंड देन आई वॉज बिजी विद फजर जान, देन इमरान वॉज ट्रैवलिंग, सो बहुत कुछ चल रहा था। सो इसलिए एंड ऑल्सो द डिले वॉज फ्रॉम माई मॉम साइड एज वेल, बिकॉज वो बना रही थी कावा और किचन की लाइट्स भी ख़राब थी, इसलिए है कावा रेडी हो चुका है, व्लॉग बन चुका है जो कि आप आने वाले में देख सकते हैं। मेक श्योर कि आप ये सारा व्लॉग आराम ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे बनाना है, कैसे पीना है। और अगर फिर भी इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हुए तो फील फ्री टू आस्क मी बिलो, ठीक है। अच्छा, बिफोर यू गाइस स्टार्ट वॉचिंग द व्लॉग, मेक श्योर कि मैंने ये कावा ऑलमोस्ट वन मंथ पिया है, द फर्स्ट टू मंथ्स, क्योंकि मैं लास्ट थ्री मंथ से ओनली जो है ना अपनी डाइट या अपना वेट लॉस कर रही हूँ। और मैंने ऐसा कोई सच डाइट नहीं की, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैंने बस को पोर्शंस कंट्रोल किए थे, चावल और रोटी पे हाथ तरह होला मारा था, फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दिया था, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन बाकी मैं खाती रही हूँ। इफ़ यू गाइस नो मी एंड इफ़ यू गाइस आर वॉचिंग माई स्टोरी, यू गाइस नो कि मैं बहुत ईजी रही हूँ अपने आप पे। ऑल दो मैं हर सुबह उठ के 30-35 मिनट कार्डियो करती रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कार्डियो फॉर वन मंथ एटलीस्ट, और उसके बाद स्लो लो, और ये लास्ट मंथ मैं बिल्कुल नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्लास, और ये विंटर डिप्रेशन है तो मुझे काफ़ी सस्ती में डाला हुआ था। सो या इसलिए जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने क्या खाया, आप कैसे खा रहे हो, कैसे डाइट कर रहे हो, डाइट मैंने नहीं की, आई जस्ट कंट्रोल द पोर्शंस, दैट्स इट। और फर्स्ट मंथ में मैंने 21 डेज भी किया था फॉर एवर का, विच ऑल्सो हेल्प मी लूजिंग माई वेट। और या मोस्टली आई विल से कि मैंने कार्डियो के साथ और पोर्शन कंट्रोल के साथ अपना वेट लूज़ किया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कावा से रिलेटेड कि कावा कौन लोग पी सकते हैं, कौन लोग नहीं पी सकते। प्रेग्नेंट वुमेंस नहीं पी सकती, जो लोग प्लान कर रही हैं बेबी का वो भी नहीं पी सकती, और जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का या गर्मी का इशू वो भी नहीं। माई मॉम हैज़ ब्लड प्रेशर इशू बट वो पीती हैं, बट यू नो आपने खुद अपने ध्यान से पीना है। अभी कावा मैंने आपको रेसिपी दे दी है, ट्राई करो, लेकिन ध्यान से ट्राई करो। पहले दिन हाफ कप से ट्राई करो, देखो कि वो आपको सूट कर रहा है, फिर जो है ना आप उसको हाफ कप से फुल कप ले लो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का जिस्म गर्मी वाला, गर्मी ज़्यादा निकलती है क्योंकि कावा अच्छा खासा गर्म है, इसलिए मैंने बोला कि प्रेगनेंट लेडीज़ या जो लोग प्लान कर रहे हैं बेबी का, दे शुड नॉट हैव दिस कावा, कॉज की तासीर बहुत गर्म होती है। सो अगर सूट कर रहा है तो फिर आप जो है ना फुल कप लेना शुरू कर दो, सूट नहीं कर रहा तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेना शुरू कर दो, टोटली अप टू यू। मैं इसको रोज़ ले रही थी सुबह खाली पेट, रात में नहीं लेना, क्योंकि द मेन रीज़न रात में नहीं लेना वो ये है कि अभी आप कावा पियो, कावा पीने के बाद जैसे आप अपना फर्स्ट मील लोगे ना, आपको पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऑलमोस्ट लेबर क्रैम्प्स नहीं होते, आई लाइक इस तरह आपको एकदम से वॉशरूम आ गया लूज मोशन टाइप का, एंड देन यू हैव टू रश वॉशरूम, ट्रस्ट मी, लाइक इधर उधर कुछ नहीं देखना, यू गाइस कैन नॉट विद दैट मोशन, यू हैव टू रश टू द टॉयलेट। सो इसलिए रात में नहीं पीना ताकि आप लोगों की रात ख़राब ना हो, वरना आप रात पूरी रात बार बार बाथरूम भागोगे। सो ये हाउ इट वर्क्स, अब जिस तरह मैं उठी हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने खाली पेट सबसे पहले कावा पिया, कावा पीने के बाद अब मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कुछ नहीं खाऊंगी ना पीऊँगी, हाफ एन आवर बाद मैंने पानी पीना पानी पी सकते थे, लेकिन जैसे ही मैं अपने इस कावे के इनटेक के बाद पहला मील लूँगी, उसके खाना खा लेने के बाद ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद मुझे जो है ना मोशन फील आएंगी और मैं बाथरूम जाऊँगी, और आप लोग खुद फील करोगे कि आपका सारा पेट खाली हो गया, ट्रस्ट मी दैट्स हाउ इट वर्क्स। इससे कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं होती, बेसिकली इट्स ऑल्सो अ सोल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिपेशन। लाइक पिछले मतलब 2 साल को छोड़ के उससे पिछले 5-6 साल मुझे एक्सट्रीम किस्म की कॉन्स्टिपेशन रही है, बट दिस कावा लिटरली हेल्प मी, कि मैंने कावा लिटरली 1 महीना पिया और उसके बाद अब तक मुझे कह ही नहीं सकती कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन थी भी, और अब मैंने वेट लॉस के लिए पिया इससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। सो या ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स बिलो, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। प्लीज़ अपने ऊपर रख के मतलब ट्राई करिएगा, मेरे पे ना आइएगा बाद में, इसलिए कह रही हूँ स्लो स्लो ट्राई करिएगा, इट्स रियली गुड, इट्स रियली अफेक्टिव। और सना मक्की पाकिस्तान से कहाँ मिलेगी, आई गेस मिलती है, ईजिली मिलती है, बट वो आप खुद सर्च कर लो। सो या इट रियली हेल्प्स इन लूजिंग वेट एंड दैट्स हाउ आई एम लूजिंग माई फर्दर वेट, बिकॉज इन दिनों मैं बिल्कुल कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, खा भी दबा के नहीं हूँ, बट मेरा वेट फिर भी उतने का उतना ही है, बढ़ नहीं रहा, सो आई एम हैप्पी। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं मेरा करंट वेट क्या है, मेरा करंट वेट 66 हो गया है, मेरा 64 वेट था जब मैं प्रेगनेंट नहीं हुई थी, और जब डिलीवरी टाइम था तो 90 था, सो आई लॉस्ट फ्रॉम 90 to 66, सिर्फ 2 kg और कम करने, एंड आई एम बैक टू माई वेट, इसलिए मैं सब कुछ खा रही हूँ। एंड या
So yeah, that's pretty much. I hope you guys will watch the vlog. ठीक है, आप देखो जाके. और yeah, let me know then. ये चीज़ें हैं जो कावा में दलती हैं. ठीक है, आप बेशक वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, द मेन आइटम इसमें ये है, वो है ये सनामक्की. ये सनामक्की के पत्ते हैं. ठीक है, मुझे नहीं आइडिया कि ये पाकिस्तान से कहाँ से मिलते हैं, ओमान से कहाँ से मिलते हैं. मैं ये सऊदी अरब उमरे पे जब गई थी वहाँ से मैंने लिए थे. तो आप ये अपने अपने ऊपर सर्च कर लो. पाकिस्तान में आई एम श्योर ये ईजिली मिल जाएंगे, ओमान में ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये है पुदीना, ये है शाहजीरा जिसे हम काला जीरा बोलते हैं. इसकी स्क्रीनशॉट लेने क्योंकि काला जीरा मिलता है बहुत मुश्किल से ओमान में. ये दालचीनी है साबत, ये दो लेमन है, ये अदरक है, और ये पीसी हुई दालचीनी है, और ये पीसा हुआ कलवंजी. ठीक है, ये चीज़ें हैं. और ये चीज़ें अब कैसे दानी है, कितने ग्लास में दानी है, कैसे बनाना है, ये मैं अब आप लोगों को साथ साथ दिखा देना है. इसको हम वॉश करेंगे. ठीक है, और अगर आप एक गिलास का बना रहे हो, क्योंकि ये हमने जो अभी मटेरियल आपको शो किया ना, ये सारा ये ऑलमोस्ट 6 गिलास ना मामा, 6 गिलास ये हम ऐसे होकर 6 गिलास, क्योंकि रोज़ बनाना मुश्किल होता है, तो हम एक ही दफ़ा बनाकर स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में. वो भी कैसे मैं आपको बताऊंगी. सो फिलहाल हम 6 गिलासों का सनामक्की बनाने लगे हैं कावा. ठीक है, और अगर आपने 1 गिलास बनाना है तो ये 2 टानी आप लोग जो है ना पुदीने की डाल सकते हो. इसी तरह यू नो अपने हिसाब से, अपने तरतीब से कि 1 गिलास में कितना दलना चाहिए. तो ये 2 टानी 1 गिलास कावा के लिए काफ़ी है. और ये सारे हमने 6 गिलास के लिए ठीक है साथ में वॉश करके साथ में डालेंगे. सनामक्की ठीक है, अगर आपने ये क्या है मामा, अगर आपने 1 गिलास में डाल लिया ना सनामक्की, तो 1 चूंटी ठीक है ऐसे ऐसे ना, ये 1 चूंटी अगर आपने 1 गिलास कावा बनाना है. इसी तरह हमने ये 1 चूंटी के हिसाब से 6 दबार डाला है ताकि 6 गिलास का बन सके. वरना 1 गिलास बनाना है तो ऐसी सनामक्की अपनी मुट्ठी में ऐसे उठाने हैं, ऐसे चूंटी जितना और ऐसे. बट मेक श्योर जब भी आप सनामक्की शॉप से लाएं उसे अच्छे तरीके से वॉश करें, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी हो गई होती है. सो इसे अच्छे तरीके से वॉश करें. और अब हम इसे वॉश करने लगे. ये देखिए आप, इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि जितनी भी इसके ऊपर वो मिट्टी किरक लगी हुई है वो उतर जाए. ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आप इसको वॉश करते हुए ये पत्ते टूट रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पत्ते टूटेंगे क्योंकि आपने सही से वॉश करनी है. ठीक है, इस तरह से आपने टीस्पून, जो छोटा टीस्पून होता है ना, छोटा स्पून वो लेना है. और इसी तरह गिन के आपने 6 ना, क्योंकि हम 6 गिलास बना रहे हैं, तो 6 चम्मच काला जीरा के. 1 गिलास बना रहे हो तो 1 चम्मच काला जीरा, 6 बना रहे तो 6, 10 बना रहे हो तो 10 चम्मच. कोशिश करें 10 गिलास से ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि फिर इतनी देर से भी फ्रिज में रखना अच्छा नहीं. आप इस तरह से बनाएं कि 10 दिन का एक ही दफ़ा बना के फ्रिज में रख लें. ठीक है, स्टोर करने में मसला नहीं, लेकिन 10 दिन इज़ मोर देन इनफ. ये 6 थे, हमने 6 चम्मच डाल दिए काले जीरे के. अब हमने जो है ना इसमें अदरक छील के और बताती हूँ, अदरक को इस तरह से छील के फिर इस तरह से कद्दूकस करना है. कद्दूकस ना, हाँ ऐसे कद्दूकस करना है. अच्छे से पहले अगर आप देखें तो पुदीने को हमने काटा नहीं, हमने ऐसी तो पुदीने को भी डाल दिया, धोके सनामक्की पत्तों को भी ऐसे डाल दिया, क्योंकि इन्होंने एट द एंड बॉयल होना है. सो नो इशू, आप अदरक के भी डिफरेंट पीसेस कट करके डाल सकते हैं कद्दूकस के बजाय, लेकिन ऐसे उनका जूस ज़्यादा निकला होता है तो ज़्यादा असर आएगा. ये हो गया. ठीक है, बस ये 4 पुदीना, काला जीरा, सनामक्की और अदरक. अब इसमें हम लोग इनके ग्लास डालेंगे, जितने ग्लास हम बना रहे हैं. ठीक है, ये ग्लास मैंने लिया है. इस तरह से आप अपने घर में जो आपका बड़ा ग्लास है वो मिल्कशेक वाला बड़ा वाला ना ले लेना, जो नॉर्मल बड़ा ग्लास होता है पानी वाला वो. ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, इसी तरह हमने 6 गिलास डालने. अब इस तरह से आपने जो है ना चूल्हा चला के, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, बस ऐसे नॉर्मल चूल्हा चला के उसको ऊपर रख दे इस तरह से पानी डाल के, बस और कुछ नहीं करना. और इसको आप ऊपर से ढांप दे, ढांपे मामा ऐसे आप इसको ढांप दे. ठीक है, और इसको लगने दे कितने मिनट रखने, 15 मिनट तक उबाल अच्छी तरह आ जाए, 5 मिनट उबलता रहे पानी. हाँ, 15 मिनट जब उबलना शुरू हो जाए उसके बाद देखिएगा, और सही से उबलना चाहिए ताकि जो भी हमने इसमें मिक्स किया पानी में उसका रस निकल के पानी में आ जाए, क्योंकि एंड पे हमने इसमें से कुछ भी नहीं खाना, ये हमने सिर्फ पुन के जो है ना पानी फिर पीना है. जब आप रखते हो ना चूल्हे पे इसको, तो फुल आंच पे रखो, और जैसे जोश आना शुरू हो जाए ना, उबाले आना शुरू हो जाए, उसे हल्की आंच पे एटलीस्ट 10 मिनट रखो ताकि इन चीज़ों का अरक निकल जाए. ठीक है, इसे 10 मिनट हो गया, आप देख रहे हैं कि इसे जोश भी आ रहा है, और आप देख रहे हो पानी का कलर टोटली डिफरेंट हो गया, कावा जैसा हो गया. तो मतलब इसका सारा जूस जो हमने इसमें आइटम्स डाली हैं उसका अरक निकला है. ठीक है, अब हमने इसको
बंद कर देना है और इसको इसी पे रखना है, चूल्हे पे रखना है या साइड पे रख दे, ठंडा होने दे, लाइक ये जो इतना धुआं निकल रहा है इसको मॉडरेट होने दे, ठंडा होने दे। और जैसे ही ठंडा हो जाए तो आपने, अच्छा जब मैं डालूंगी तो बता। सो गाइस लाइक आफ्टर फ्यू आवर्स आप देखें तो ये ठंडा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको बॉटल में डालूंगी, दैट्स हाउ इट लुक्स। और बॉटल में डालने से पहले मैं इसको जो है ना पुनूंगी भी, आई मीन लाइक क्या बोलते हैं इसको, मतलब पुन के डालूंगी ताकि बाकी चीज़ें ना आए, सिर्फ पानी आए। सो या आई एम गोना डू दैट बिकॉज वन हैंड से नहीं होगा, मामा घर चलेंगी। अब इस तरह से आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, मेरे पास छोटी बॉटल भी नहीं थी, ये वाली यूज़ करूँगी। और इस तरह से आप छान कर जो है ना कावा बॉटल में डाल दें, ऐसे बिल्कुल ऐसे। सो गाइस इस तरह से मैंने छान कर कावा सारा बॉटल में डाल लिया, ठीक है। और पीछे से ही रह जाता है, इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने फेंक देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ये बॉटल अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, सो अब मैं इसको निकालूंगी कावा को फ्रिज में, इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ठीक है। ये अच्छा खासा चिल्ड हो गया, लेकिन आप लोगों ने ठंडा नहीं पीना, मैं आपको बताती हूँ कैसे। इतना कप में डाल लिए, ठीक है, और मैं ऑलमोस्ट इतना पीती हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने फुल कप पीना है। आई विल प्रेफर कि आप लोग मोर देन हाफ बट लेस देन फुल कप बना के पिए, ताकि यू नो, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हाफ से स्टार्ट करें। सो मैं इसको ओवन में रखूँगी, क्योंकि आपने नीम गर्म पीना होता है, इतना गर्म जितना आप फटाफट पी सको, ठीक है। सो मैं इसको इजीली 1 मिनट पर गर्म कर दूँ, मैंने 1 मिनट पर गर्म कर लें, ये इतना गर्म है जो मैं फटाफट पी सकती हूँ। इसको पीने से पहले आप नीनू ने याद से एक चुटकी क्या बोला है इसको, दालचीनी का और एक चुटकी कलवंजी, ये कलवंजी और दालचीनी मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि फीसी हुई थी, तो एक एक चुटकी दोनों का और हाफ लेमन, ठीक है, हाफ लेमन आप लोगों ने स्क्वीज करके इसमें डालना है। ये मैं इसमें स्क्वीज कर रही हूँ ऐसे बस, अब आप लोगों ने इसको मिक्स करते हुए हिलाते हुए पी जाना। इसका कावा रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पीने लगी हूँ, और मैं पीते साथ ना इसको ऑलमोस्ट मैं 3 घूंट में पीती हूँ, फटाफट मिक्स करते करते मैं पी जाती हूँ। मैं रुक रुक के नहीं पीती, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत स्ट्रांग लगता है, और ऐसा लगता है कि मैंने रुक रुक के पिया तो नहीं पिया जाएगा, ठीक है। ये पीते साथ मैं फ़ौरन जो है ना अपने मुँह में फिर ये 3-4 दाने मुरब्बे के डाल लेती हूँ, ताकि मेरा टेस्ट चेंज हो जाए और मुझे वो ना अजीब अजीब से फील ना हो कि मुझे उल्टी आने वाली, जबकि मुझे कभी नहीं उल्टी आई। सो ये है तरीका कावा बनाने का, सो गो हैड डू ट्राई इट आउट, लेट मी नो ऑल्सो कि कैसा लगा आपके ऊपर, मतलब कावा कैसा लगा आप लोगों को, कैसा अफेक्ट रहा, मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस कावे को जिन लोगों को और ज़रूरत है, स्पेशली कॉन्स्टिपेटेड लोगों को, उनको भी ये कावा शेयर कर सकूँ। सो डू लेट मी नो योर रिव्यूज़ वंस यू ट्राई, एंड आई होप यू गाइज आर हैप्पी कि मैंने फाइनली शेयर कर दिया। सो गो हैड ट्राई आउट नाउ एंड लूज योर वेट। अल्लाह हाफिज़।